नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज हम अनबॉक्स करेंगे APC की तरफ से आने वाला UPS, a UPS for PlayStation 5। इसको अनबॉक्स करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपके घर में इन्वर्टर लगा है और जहां पर भी आप अपना PlayStation वॉल सॉकेट में लगाते हैं वहां पर अगर इन्वर्टर का कनेक्शन है तो आप बहुत लकी हैं, आपको UPS में पैसा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। एंड इफ़ कनेक्शन नहीं है और कनेक्शन लगवाना पॉसिबल हो तो हाँ, बिल्कुल आप वहाँ पर इन्वर्टर का कनेक्शन करवा लें और UPS के पैसे को सेव कर लें। इन पैसों से आप SSD वगैरह भी लगवा सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ेगा। एंड इफ़ इन्वर्टर नहीं है तो आप प्लीज़ UPS में इन्वेस्ट ज़रूर करें, वो भी एक अच्छे UPS में। हो सकता हो उस वक्त आपको थोड़ा महंगा पड़ सकता है, लेकिन ये लॉन्ग रन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि UPS आपके PlayStation 5 की लाइफ को भी बढ़ा सकता है और इवन इसको डैमेज होने से भी बचाता है। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं आप तो बहुत अच्छे जानते हैं, शायद इसीलिए आप इस वीडियो में आए हुए हैं। और अब यहाँ बात आती है कि क्या आपको यही मॉडल लेना चाहिए जो कि 660 वॉट का है और 8000 के अराउंड मिलता है, या फिर इससे सस्ता वाला मॉडल जो कि 350 वॉट का है और 3500 के अराउंड मिल जाता है। और मैंने यही मॉडल क्यों लिया तो मैं आपको बता दूं कि मैं अपना PC और PlayStation दोनों एक ही जगह पर यूज़ करता हूं, यानी कि दोनों एक ही मॉनिटर में। और ऐसे केस में क्या होता है कि कभी कभी जो बड़े गेम्स होते हैं उनको डाउनलोडिंग में लगाकर अपने PC पर वर्क करने लगता हूं, इसलिए मुझे दोनों एक ही UPS से पावर देने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसीलिए मैंने ये 660 वॉट वाला मॉडल लिया है। और अगर आपके साथ भी यही सीन है कि आपको भी PC और PlayStation दोनों के एक ही साथ पावर देने की ज़रूरत पड़ती है तो आप भी यही 660 वॉट वाला मॉडल ही लीजिएगा। एंड इफ़ आपको सिर्फ और सिर्फ PlayStation को ही पावर देना है तो आप इसका 350 वॉट वाला मॉडल ले लीजिए, वो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपके लिए। तो बहुत हो गई बातें, अब बिना टाइम वेस्ट किए अपनी अनबॉक्सिंग को शुरू करते हैं।